प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर केवड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते। इसी के साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर देश का ध्यान वन नेशन वन इलेक्शन की ओर खींचा और इसे वक्त की जरूरत बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला था। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत नई नीति रीति के साथ आतंकवाद का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन आज भारत की जरूरत है। देश में हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, ऐसे में इस पर मंथन शुरू होना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें पूरी तरह से डिजिटलकरण की ओर बढ़ना चाहिए और कागज के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए। आज़ादी के 75 साल को देखते हुए हमें खुद टारगेट तय करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफ़ी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। इमरजेंसी के दौर के बाद सिस्टम मजबूत भी होता गया, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों ने संविधान पर विश्वास होने के नाते समर्थन किया। संसद में इस बार तय वक्त से काफी अधिक काम हुआ। सांसदों ने अपनी सैलरी में कटौती की। पीएम बोले कि कोरोना काल में भी देश ने चुनाव किया, नियमों के अनुसार सरकार भी बन गई, जो संविधान की ही ताकत है। रिपोर्ट IPN। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है, पहले तो उम्र में फर्क था इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों, डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लगे लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या आजादी के 75 वर्ष को देखते हुए आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं, कोई टारगेट तय करके यहां से जा सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो, सभी सदनों के कामकाज का एक रियल टाइम ब्यौरा आम नागरिक को भी उपलब्ध हो और देश के सभी सदनों को भी ये उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ही विकसित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अडॉप्ट करें। अब हमें अपनी कार्यप्रणाली में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, पेपरलेस तौर तरीकों पर बल देना चाहिए। साथियों, देश को संविधान सौंपते समय संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होगी। संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां
ये सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चलें। हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। पीठासीन अधिकारी होने के नाते आप सभी क्या नया कर सकते हैं, कौन सी नई भी चीज जोड़ सकते हैं, इस दिशा में भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो देश के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिलेगी। विधानसभा की चर्चाओं के दौरान जन भागीदारी कैसे बढ़े, आज की युवा पीढ़ी कैसे जुड़े, इस बारे में भी सोचा जा सकता है। अभी दर्शक दीर्घाओं में लोग आते हैं, चर्चा भी देखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत नियोजित तरीके से भी किया जा सकता है। जिस विषय पर चर्चा हो उस विषय के अगर संबंधित लोग वहां रहे उस दिन तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे मानो शिक्षा से जुड़ा कोई विषय हो तो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया जा सकता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ा कोई अन्य विषय हो तो उससे संबंधित समूह को बुलाया जा सकता है। महिलाओं के संबंधित कोई विषय की चर्चा हो तो उनको बुलाया जा सकता है। इसी तरह कॉलेजों में भी मॉक पार्लियामेंट को बढ़ावा देकर हम बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रचारित कर सकते हैं और हम स्वयं भी उससे जुड़ सकते हैं। कल्पना करिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों के संसद हो और आप खुद उसे संचालित करें, इससे विद्यार्थियों को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मेरे सुझाव भर हैं। आपके पास वरिष्ठता भी है, आपके पास अनुभव भी है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अनेक प्रयासों से हमारी विधायी व्यवस्थाओं पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। एक बार फिर इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं स्पीकर महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने ऐसे ही सुझाव दिया था लेकिन स्पीकर साहब ने केवड़िया में इस कार्यक्रम की रचना की। गुजरात के लोगों की मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी होती है। वैसे हमारे देश के हर कोने में स्वभाव है तो उसमें तो कोई कमी नहीं आई होगी, ऐसा मुझे पूरे विश्वास है। लेकिन इसको देखने के बाद हो सकता है आपके मन में कई अच्छे नए विचार आए हों। अगर वहाँ वो विचार अगर पहुँचा देंगे तो जरूर उसका लाभ होगा इसके विकास में, क्योंकि एक पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण जगह बनी है, उसमें हम सबका योगदान हो। क्योंकि इसके मूल में आपको याद होगा, हिंदुस्तान के हर गांव से किसानों ने खेत में जो औजार उपयोग किया था वैसा पुराना औजार इकट्ठा किया था हिंदुस्तान के 6 लाख गांव से, और उसको यहां पर मेल्ट करके इस स्टैचू बनाने में किसानों के खेत में उपयोग किए गए औजार का में से लोहा निकालकर इस स्टैचू में उपयोग किया गया है। यानी इसके साथ एक प्रकार से हिंदुस्तान का हर गांव, हर किसान जुड़ा हुआ है। साथियों, नर्मदा जी और सरदार साहब के सानिध्य में ये प्रवास आपको प्रेरित करता रहे, इसी कामना के साथ आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार। सभी माननीय अतिथियों से विनम्र